हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है विराट और आज भी मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। तो गाइस, आमिर माजिद से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि वो मुंबई से जम्मू वापस आ चुके हैं। एंड गाइस, ये तो आप सबको पता ही होगा कि उनकी जो मुंबई वाली ट्रिप थी उनकी साइड से कुछ भी रेगुलर व्लॉग्स नहीं आए थे, तो सबने ऐसा एक्सपेक्ट करा था कि वो जम्मू वापस आ गए हैं तो उनकी साइड से रेगुलर व्लॉग्स देखने को मिल सकते हैं। बट अभी तक भी उनकी साइड से कोई व्लॉग नहीं आया, बस एक अपडेट आई थी कि वो बहुत जल्दी लद्दाख राइड करने वाले हैं। एंड गाइस, आपको आमिर माजिद और आयरा माजिद की एक रील के बारे में याद ही होगा जहां पे उन्होंने किस करा था। ऑलरेडी उनको अपनी कम्युनिटी से काफी ज्यादा हेट मिल रहा था कि ये सब हराम एक्टिविटी है जो आप शादी से पहले कर रहे हो। बट नाउ आपको पता होगा कि आयरा माजिद एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड आमिर माजिद मुस्लिम है, जिससे मेरे को कोई इशू नहीं है भाई। एंड इन दोनों ने तो अपना रिलेशनशिप पब्लिक रखा है, बट काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स है जो कि एज अ फ्रेंड एक साथ वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि आमिन बट एंड वर्षा मनास। तो गाइस, कल आरएसएस कम्युनिटी के मेंबर की साइड से एक रील आउट हुई जहां पे उन्होंने आमिर माजिद और आमिन बट के लिए कुछ ऐसा बोला है। जय श्री राम, ये वीडियो मैं आमिर माजिद और भट्ट ब्लॉगर, मुस्लिम ब्लॉगर से दोनों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि दोनों का रिलेशन हमारी हिंदू समाज की लड़कियों के साथ। आमिर माजिद का रिलेशन आयरा शर्मा के साथ है और उस लड़की ने अपना शर्मा काट के आगे माजिद लिखी। ये चीज हमारे पूरे समाज के सामने हो रही है और कोई माइका लाल इस चीज के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। और अपनी दूसरी लड़की है वर्षा मनहास, उस लड़की का पहले वो आमिर माजिद के साथ घूमती रही, अब वो भट्ट ब्लॉगर वाले के साथ घूम रही है। और उनके फोटोज देखो आप, जो लड़कों ने फोटो चढ़ाए हैं मुस्लिम लड़कों ने हिंदुओं के, मतलब शर्मिंदा हो जाता है बंदो उनके फोटोज देखो। पर जो तुम काम कर रही हो इससे हम पूरा समाज शर्मिंदा होता है, और तुम इन्फ्लुएंसर बनी हो इस वजह से हमारी बाकी की लड़कियां भी तुम्हें देख के गलत ट्रैक पे जाती हैं। या फिर अपना प्राइवेट कर दो आप अपना अकाउंट, या ये सही है, या फिर अपना अकाउंट आप डिलीट कर दो। और मैं दोनों लड़कों को ये चीज बोलता हूँ कि तुम दोनों लड़के हमारी हिंदू लड़कियों से दूर रहो, और जो भी तुम वीडियोज बनाते हो हमारी हिंदू लड़कियों की इन्वॉल्वेशन बीच में नहीं होनी चाहिए, इस चीज का तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। और हिंदू लड़कियों के लिए भी एक चीज देखने वाली बात है कि कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ कभी आपको घूमती नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारा धर्म क्या है। और हमारे लोगों ने भी अपने धर्म के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, पर हमारी लड़की भूल चुकी है। खाली फेम पाने के लिए तुमने इतनी बेशर्मी डाली है कि कहने की बात नहीं। और मैं ये राजपूत सभा को भी ये चीज बोलना चाहता हूँ, जब छुट्टी का टाइम था हमने भी आपका भरपूर साथ दिया है, पर अब रैली निकाल दो फायदा नहीं है। जो चीजें हमारे समाज के लिए गलत हो रही है, हमारी हिंदू लड़की है जो भी मुस्लिम लड़कों के कॉन्टेक्ट में है, हम सबको मिलकर इस चीज के ऊपर कार्रवाई करनी ही होगी। जय श्री राम। तो गाइस, क्या कहना है आपका इसके बारे में, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो आप सबको पता होगा कि आमिर माजिद पे पिछले दिनों इल्यूमिनाटी होने का एक लालछन सा लगा था, क्या कहते हैं भाई, एलिगेशन लगा था। तो आमिर माजिद की साइड से कुछ स्टोरीज आउट हुई जो कि भाई मेरे को डीएम में लोग शेयर कर रहे हैं, देखो भाई इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी। भाई पहली बात तो हर ट्राइंगल इल्यूमिनाटी नहीं होता भाई, फिर तो तुम समोसा भी खाते हो वो भी इल्यूमिनाटी है। तो बेसिकली उनकी साइड से एक स्टोरी आउट हुई थी जहां पे उन्होंने एक जोकर मास्क डाला था जिसके नीचे लिखा था बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट, रिमेंबर वंस डेविल वाज एन एंजल। बढ़िया, तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रजत दलाल के बारे में। सो गाइस, रजत दलाल की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जो कि आप सबने देख ली होगी, जिसमें बेसिकली वो ड्राइव कर रहे थे एंड ड्राइव करते करते उन्होंने किसी स्कूटी वाले को ठोक दिया। एंड स्कूटी वाले को ठोकने के बाद में रजत दलाल कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये अपना रोज का है भाई, प्लीज हेजिटेट। तो जब से ये वीडियो वायरल हुआ रजत दलाल को काफी ज्यादा हेट मिला था एंड रजत दलाल का भी इस पे रिएक्शन आया। उनकी साइड से एक इंस्टाग्राम वीडियो आउट हुई जहां पे वो कुछ ऐसा बोलते हैं। तो भाई सभी को राम राम। रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसपे लोग बहुत आक्रोश दिखा रहे हैं, बहुत तराजगी दिखा रहे हैं। मेरे पार्ट पे भाई बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, ना तो मेरे पास मेरा कोई डाटा है, ना मेरे पास इस टाइम मेरा इंस्टा अकाउंट है, मुझे खुद को नहीं पता वो वीडियो कहां से वायरल हुआ है, कहां से आया है, क्या सीन है। अभी क्या आसपास का वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये उल्टी सीधी चीजें, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, ये बहुत पीछे छोड़ चुका हूं। जीवन में एक आगे की तरफ दिशा देख के जा रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि कॉन्स्पिरेसी है, क्या है, किसी चीज में फंसाना है या मेरे नाम से व्यूज लेने हैं, मुझे ईमानदारी से नहीं पता क्या चीज है। ना वो वीडियो आसपास रिसेंट का है। अब भगवान जाने भाई, मेरे को समझ नहीं आता, हर दूसरे दिन कोई एक वीडियो आ जाती है। अरे मेरे को समझ है भाई, पीछे पास्ट होता है, सबका होता है, पर जीवन में वो सारी चीजें मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूं, सीख मिल चुकी है और सीख रहा हूं। ना मैं किसी से कोई कलेश कर रहा हूं और ना आगे करने वाला हूं। तो भाई उम्मीद करूंगा कि इस चीज को थोड़ा सब समझेंगे और जो भी चीज सच होगी सामने आई जाएगी सबके। तो तब तक प्लीज थोड़ी शांति रख लो, सबर रख लो। अगर कहीं से मैं कसूरवार निकलता हूं तो तुम्हारी जूती मेरा सिर, ख्याल रखो भाई।
ओ गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल वर्सेस एजाज खान के बारे में। सो गाइस, एजाज खान कल अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे जहां पे उन्होंने हर्ष बेनीवाल और पूरव झा को काफी ज्यादा गालियां दी थी, बट फिर कुछ देर के बाद उनकी साइड से एक और वीडियो उठी जहां पे वो अपने इस बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए नजर आए। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं। भाई कोई हमको गालियां देना देने दो, तुम लोग मत दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता कोई मुझे गालियां देता है ना देने दो। मेरे को आज मेरे अपा ने एक बात बोली, बड़ा मजा आ गया मेरे को, कि बेटा कोई गालियां देता है ना तो उसको दवा दे, दुआ दे, दवा ये दे कि वो मरीज है, वो मरीज है कि वो तुझे जाने पहचाने तेरे से मिले बिना वो तुझे गाली दे रहा है, और दुआ इसलिए दे कि वो तेरा भाई है, अल्लाह उसको ठीक करे, उसको हिदायत दे और उसको सही रास्ते पे लाए। तो मेरे भाइयों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आलियान राइडर के बारे में। सो गाइस, एक दिन पहले आलियान राइडर की साइड से एक वीडियो उठ हुआ जहां पे उन्होंने बोला कि शायद से वो मोटो व्लॉगिंग क्विट करने वाले हैं, जिसके बाद उनके काफी सारे सब्सक्राइबर्स उनसे नाराज हो गए थे एंड अपने कल वाले व्लॉग में वो मोटो व्लॉगिंग क्विट करेंगे या नहीं इसका आंसर देते हुए कुछ ऐसा बताए। मुझे मोटो व्लॉगिंग के रिलेटेड भी आप लोगों से भी बात करनी है। कल की वीडियो पे आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स कर दिए थे ना कि भाई मैं क्या बताऊं, कुछ लोग तो मुझे धमकी दे रहे थे भाई अगर आपने मोटो व्लॉगिंग छोड़ी ना ब्लॉग देखना बंद कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती यार। देखो गाइस, आप लोगों को पता है जो आप लोग बोलते हो हमेशा वही होता है। मैंने आप लोगों को बोला, मैंने आप लोगों से पूछा इसीलिए था कि मैं आपकी राय जान पाऊं कि आप लोग चाहते हैं मैं मोटो व्लॉगिंग क्विट करूं कि ना करूं, पर आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए ना, इतने सारे कमेंट्स किए कि भाई मोटो व्लॉगिंग क्विट मत करो। तो गाइस आपको पता है जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा, तो हम मोटो व्लॉगिंग क्विट नहीं करेंगे। मैं मोटो व्लॉग्स बनाऊंगा पर अभी थोड़ा टाइम के बाद, ठीक है, अभी नहीं मोटो व्लॉग्स बनाने वाला हूं मैं। वैसे भी आप लोग देख सकते हो मॉनसून का महीना है, बारिश वगैरह हो रही है, तो यहां पे तो ऐसे भी मोटो व्लॉग नहीं बन सकता है ना, तो थोड़े दिन थोड़ा लाइफस्टाइल व्लॉग देखो, हम मोटो व्लॉग्स भी बनाएंगे। तो गाइस वीडियो खत्म करने से पहले एक अनाउंसमेंट, भाई ये शायद से आज या कल हम एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं जहां पे हम गिव अवे करने वालों को थोड़ा रोस्ट करेंगे भाई लाइव। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।